मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज़ के लिए। तो मैं बहुत बर्दाश्त करी, फिर कुछ दिन हुआ तो मेरे साथ मतलब बहुत गंदी गंदी ज़बरदस्ती करता था, जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे। फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जाए यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है, तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तूने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। फिर जब देखो तब अपने फ्रेंड लोग को कॉल करता था कि ले तू इन लोग से बात कर, मीठी मीठी बात कर, मुझे पैसा देना है उन लोग के साथ। फिर इनकी माँ बहन भाई सब लोग मुझे मिलकर मारते थे। फिर मैं कल इनके यहाँ पर गई थी, इनकी मम्मी के यहाँ, कि क्या हुआ तुम 5-6 दिन हो गया घर पे नहीं आए हो। कौन सी जगह गई थी? वैसू गई थी इनकी मम्मी के यहाँ। तो मैं वहाँ पर गई तो जैसे मैंने बेल बजाई तो इनके भाई ने ही दरवाजा खोला, तो मैंने खाली इतना बोला तुम तो यहाँ पर हो, इतना बोला, इतने में इनकी माँ बहन भाई तीनों जन मिलकर मुझे मारने लगे और मेरी बच्ची को एक हाथ से पकड़ लिया कि मैं इसको चौथे माले से नीचे गिरा दूंगा, ऐसा। फिर जब देखो तो बोलते हैं कि ऐसा वैसा, हाँ मानती हूँ मैंने गलती की, एक हिंदू के साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर आज मुझको पछतावा हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। लड़की की कितनी उम्र? अभी मेरी बच्ची 1.5 साल की है, वाले 7 दिन के अंदर मिट जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में कभी पढ़वाया नहीं था, तो मैंने पढ़वा लिया। अब इसपे एसिड डाल दिया, फिर ये चूना साबुन करके रगड़ दिया, बोल रहे बस तुझे मिटवाने का शौक था ये। इसको लेकर भी 6 दिन हो गए, मैंने इसमें ना पानी टच किया है ना इसको कुछ किया, पूरा गड्ढा हो गया।